नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल बनारस की बरखा में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा। सो यस, आज का वीडियो मेरा फ्लिपकार्ट साड़ी हॉल होने वाला है। सो पिछले दो वीडियो से मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी के लिए एक तीसरा पार्ट भी बनाया जाए। और आज का साड़ी जो है वो भी मेरे वार्डरोब में फेवरेट लिस्ट में से है। तो मैं साड़ियों का बहुत सारा कलेक्शन में रखती हूँ एंड मुझे साड़ी वेयर करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं साड़ी लवर हूँ ये कह सकती हूँ। सो इसीलिए मैंने बहुत सारे साड़ियों का शॉपिंग किया था 6-7 मंथ पहले। बट अभी का सिचुएशन जो चल रहा है उसको देखते हुए मैं अपने सारे शॉपिंग्स को शेयर कर रही हूँ आप सभी से, ताकि आपका भी हेल्प हो जाए। क्योंकि कुछ भी हम लोग ऑनलाइन परचेज करने से पहले उसका रिव्यू देखते हैं, प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं। सो मैंने जो जो भी बाई किया है मुझे बहुत अच्छे क्वालिटी में मिला है, बहुत अच्छे प्राइस पे मिला है, बहुत अच्छी डील मुझे मिली है। सो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी व्यूवर्स से भी शेयर किया जाए अपना एक्सपीरियंस एंड अपना प्रोडक्ट। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इसी टाइप के बहुत सारे हॉल्स देखने को मिलेंगे और आपके लिए हो सकता है बहुत हेल्पफुल हो। आज का ये वीडियो जो है मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। फ्लिपकार्ट से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, फ्लिपकार्ट मेरा बहुत ट्रस्टेड है, क्योंकि इस पे मुझे अब तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट मंगाया है वो सभी बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे क्वालिटी वाइज भी रिसीव हुआ था और पैकेजिंग काफी अच्छी होती है, डिलीवरी फास्ट होती है, रिटर्न वाला प्रोसेस भी बहुत फास्ट होता है। तो मैंने काफी सारी शॉपिंग फ्लिपकार्ट से की है। सो आइए मैं अपना फर्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ। तो यस, ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। ये साड़ी मल्टी कलर में है और मतलब इसका क्वालिटी की अगर बात की जाए कपड़े की, तो ये क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल का कपड़ा है, बहुत ज्यादा आपको पता है कि समर्स में कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, हैवी साड़ी कैरी नहीं कर पाती हैं वुमन्स, तो इसलिए ये साड़ी मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये साड़ी जो है थोड़ा सा अलग मुझे दिखा था और मुझे मल्टी टाइप के कलर एक्चुअली बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने ये साड़ी देखा तो मुझे लगा कि यस ये साड़ी मेरे लिए परफेक्ट है, तो मैंने इसे बाय किया। और ये जो साड़ी का बॉर्डर है मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इसी टाइप के पैटर्न में है बट ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, वो उस टाइप का कपड़ा नहीं होता सिल्की टाइप में थोड़ा, तो ये इसका बॉर्डर थोड़ा सिल्की उसमें कपड़े में दिया हुआ है। बाकी साड़ी का अगर बात किया जाए क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है। इस साड़ी को मैंने दो मंगाया है, तो ये साड़ी मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको। एक मैंने ये मंगाया और ये एक और ये, तो मैंने ये दो दो साड़ी मंगाया है बिकॉज कि ये मम्मी को भी बहुत ज्यादा पसंद आ गया था और ये मुझे भी पसंद आ गया था, तो इसलिए मुझे दो दो मंगाना पड़ा। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी रेटिंग भी काफी है। आप साड़ी पसंद करते हैं मल्टी कलर पे तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं इस साड़ी को। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये साड़ी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ज्यादा अच्छा लुक आएगा, मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखा दूंगी। सो है ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो ये है मेरा साड़ी जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है और इसमें छोटे छोटे से बूटियां बनी हुई हैं बहुत प्यारे से, और ये है पूरा ब्रॉड इसका बॉर्डर। ये ब्रॉड है वन साइड आपको देखने को ये मिलेगा। सो ये ऊपर की तरफ है और अगेन ये बॉर्डर नीचे की तरफ जो आप प्लेट्स बनाएंगे ये उस पे आएगा। सो अगर इसके कपड़े की क्वालिटी की बात की जाए तो इसका कपड़ा जो है चंदेरी सिल्क में है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि चंदेरी सिल्क थोड़ा हार्ड होता है, और ये एक्चुअली 2-in-1 है, इसको आप इस साइड से भी आप वेयर कर सकते हैं। एक मिनट, ये देख सकते हैं, और ये गोल्डन कलर का है और इसपे प्रिंट जो है मरून टाइप में बने हुए हैं। ये एक्चुअली में वायलेट कलर है बट इसमें कैमरे में थोड़ा सा ये कलर डिफरेंट आ रहा है, तो कोई नहीं, बहुत एक सुंदर कलर है, आप अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं।
और मैं अपने व्यूवर्स को मैं कुछ भी ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगी जिससे उनको लगे कि नहीं ये कुछ भी बता देती है। सो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वैसे ये लुक वाइज बहुत अच्छा साड़ी है, बहुत सुंदर है, काफी इसका रिव्यू भी बहुत मैंने चेक किया था, बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि उन्हें ट्राई किया जाए। सो मेरा ऑनेस्टली अगर मैं इसका रिव्यू करूं तो ये थोड़ा मुझे वेयर करने पे, पहनने पे थोड़ा सा मुझे लगा कि ये हार्ड है थोड़ा, इन साड़ियों के अकॉर्डिंग इसका कपड़ा थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मोटा है, तो ये ऐसे तो एक दो घंटे के लिए आप इसे वेयर कर सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। तो आपको ये साड़ी कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट में, एंड इसका प्राइस, एंड मैं अभी दिखाती हूँ आपको इसको ट्राई करके ये कैसा दिखता है लुक वाइज। नाउ कमिंग टू द माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो मैं दिखाती हूँ आपको फोर्थ थर्ड साड़ी अपनी। मेरे पहले वाले व्लॉग में आपने अगर देखा होगा तो ये साड़ी को आपने देखा होगा, क्योंकि ये साड़ी मैंने एक पार्टी में वियर किया था और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले थे। सो मैं आपको ये साड़ी दिखाना चाहूंगी, ये साड़ी कुछ तो दोस्तों ये है मेरी वो साड़ी जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये साड़ी तो सिंपल है बट कैसे इतना तारीफ हो रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये दिखता तो सिंपल है बट वियर करने के बाद, ज्वेलरी पेयर करने के बाद ये लुक जो आता है, क्रिएट होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं तो इतनी ज्यादा हैप्पी हुई थी इसका लुक देख के। तो ये है वो साड़ी, और ये है साड़ी येलो कलर में जिसपे ये वर्ली आर्ट बना हुआ है, पूरे साड़ी के बॉर्डर पे आपको वर्ली आर्ट मिल जाएगा बना हुआ। एंड इसका बॉर्डर का बात किया जाए तो बॉर्डर इसका ग्रे और येलो में है, जो स्लीपी स्लीपी सा सिल्की कपड़ा नहीं होता उस टाइप में इसका बॉर्डर दिया हुआ है। सो ये पूरी साड़ी इस तरीके से है, आपको ऐसे ही बॉर्डर पूरा मिल जाएगा बना हुआ। सो आई थिंक ये इतना ज्यादा सॉफ्ट कपड़े में आया हुआ है, मैं ये जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ ये सभी मेरा खुद पर्सनल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सभी से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फैशन के साथ साथ कंफर्टेबल क्लोथ्स ही पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसा चीज वेयर करती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल फील करा है। मैं बहुत ऐसा कुछ वैसा नहीं यूज करती हूँ जो मुझे लगे। सो ये कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा, और मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, लगा दूंगी तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कैसा दिखता है। सो ये है मेरा थर्ड प्रोडक्ट, तो आपको बताइएगा आपको कैसा लगा। एंड इसके ब्लाउज के पीस की अगर बात की जाए, इसका ब्लाउज ग्रे कलर में आएगा, तो मैं आपको इसका ब्लाउज भी दिखाती हूँ। मैंने इसको स्टिच करा लिया है, तो ये इसका ब्लाउज है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इसका आस्तीन लगा हुआ है, तो इस तरीके का कुछ ये दिखता है ब्लाउज ग्रे कलर में। तो यस, मैंने इसे पेयर किया था वैसे ब्लैक कलर के क्रॉप टॉप पे, तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। सो आप भी इसे पेयर कर सकते हैं अपने मनपसंद कलर से, ग्रे कलर में एंड ब्लैक कलर में। सो मैं नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो ये है मेरी वो साड़ी जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट ट्रस्ट मी गाइज कि ये साड़ी पहनने के बाद बहुत सुंदर लुक आता है इसका। तो मेरे कहने पे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ये बहुत आपको अच्छी डील पे साड़ी मिल जाएगी। तो मैं आपको ये साड़ी दिखाती हूँ सबसे पहले, ये साड़ी है ये ब्लैक कलर की, तो इस पे रेड कलर का बॉर्डर दिया हुआ है, और कपड़ा इसका जॉर्जेट टाइप में है, मतलब ठीक है, कंफर्टेबल है, एंड प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल आई है, ये देख सकते हैं आप। और इसका ब्लाउज मैं आपको दिखाती हूँ, इसका ब्लाउज गाइस, इसका ब्लाउज बहुत सुंदर आया हुआ है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इसका ब्लाउज जो है वो थोड़ा इस साड़ी का जो लुक है वो इनहेंस कर देता है, मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ।
तो दोस्तों ये है उसका ब्लाउज। तो मैंने ब्लाउज का जो है स्टिचिंग करा लिया है, सो ये उसका ब्लाउज है। तो दोस्तों ये है उसका ब्लाउज, मैंने ब्लाउज का स्टिचिंग करा लिया है और ये मुझे पहनने के बाद मैं बता नहीं सकती कि कितना सुंदर लग रहा था, तब ब्यूटीफुल लग रहा था मुझे, मतलब लग रहा था कि ये मेरा पैसा वसूल वाला प्रोडक्ट है, मैं ये कह सकती हूँ। सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये है मैं आज का मेरा वीडियो। आई होप कि आपको साड़ियां बहुत पसंद आई होंगी। अगर जो भी आपको साड़ी पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले ताकि आपको ऐसे ऐसे हॉल्स बहुत सारे देखने को मिले, इसी टाइप के हॉल्स। और मैं अभी आगे भी बहुत अच्छे अच्छे हॉल्स लेके आऊंगी आप सभी के लिए। तो सो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। एंड छोटा सा एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगी, सो अभी भी कोविड केसेस चल रहे हैं, सो आप अपना ध्यान रखिए एंड सेफ रहिए, घर पे रहिए एंड अपने हैंड को सैनिटाइज करें, अपने बैग में बाहर निकलते वक्त सैनिटाइजर रखें एंड मास्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। सो आप सभी लोग ये सुनते सुनते पक चुके होंगे, बट सेफ रहें, सुरक्षित रहें एंड आपसे यहीं पे विदा लेती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो पसंद आया हो डू नॉट फॉरगेट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हॉल में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, टिल देन, बाय।